left everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक्शन प्रो का चिन माउंट। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट था मेरे और सब वीडियोस में, जिससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। चलिए अब बात करते हैं, ये जो बॉक्स मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है एक्शन प्रो का चिन माउंट है, इसमें ये कैसा है ये चिन माउंट और क्या क्या इसमें बॉक्स कंटेंट्स है, चलिए देखते हैं। खाली है ये बॉक्स अब, और ये रहा हमारा एक्शन प्रो का चिन माउंट। और यही है जो बॉक्स के अंदर कंटेंट हमें मिला था, actionpro.in इसमें लिखा हुआ है। आगे से ये पैकेज ऐसा दिखता है और पीछे से ये पैकेज आपको इस तरह का एक QR दिया हुआ है। बाकी और कुछ डिटेल्स तो इसके बारे में बताए नहीं गए हैं, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और अंदर से जो है, जो आपको साथ मिलता है इस एक्शन प्रो के पैकेजिंग में, वो दो चीज़ें मिलती है। पहला तो आपको एक जे माउंट मिलता है, और जे माउंट के साथ आप ये देख सकते हैं जो चिन माउंट है। तो जे माउंट को आपको चिन माउंट में अटैच करना है, वो प्रोसीजर इस तरह से है। आप इस तरह से जे माउंट को ऐसे क्लच कर लीजिए और ऐसे करके इसे पुश कर दीजिए, और जे माउंट अटैच हो चुका है, ये फिट हो गया। क्लिक करके एक साउंड आया होगा आपको, आपने सुना होगा, उस तरह से ये फिट हो जाता है। और इसे हम लोग को खोलना अगर है तो हम इस तरह प्रेस करके इसको इजीली मूव कर सकते हैं। बैजिंग के तौर पे और कहीं तो कोई बैजिंग दी हुई नहीं है, और यहाँ पर एक एक्शन प्रो की बैजिंग बस सामने में दिया हुआ है। एक एक्शन प्रो का बैजिंग यहाँ सामने में दिया हुआ है। ये एक स्ट्रैप है, ये सर सारे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप है। मैं फुल एनर्जी के साथ भी इसे अगर खींचूँ तो ये निकलता नहीं, ये स्ट्रैप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पीछे का जो पोर्शन दिया हुआ है, ये डॉटेड डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, ये एक रबरी एलिमेंट दिया हुआ है। ये रबरी एलिमेंट है कि स्किट ना करे या मूव ना करे। मैं आपको एक सैम्पल ही दिखाता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ भी प्रेस करके अगर टाइटली मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं होता, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये पूरी तरह से लगता है इसे एक ग्रिप बना लेता है, स्टिकनेस आ जाती है। और ये स्ट्रैप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रैप्स में लॉक है। मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरह हम इसे लगाएंगे अपने हेलमेट में इस लॉक्स के थ्रू। ये दो दो अलग अलग स्ट्रैप्स को, दोनों स्ट्रैप्स को दोनों लॉक्स में हमें हेलमेट में लगा के पुल कर देना है। और अब मैं देखता हूँ कि इसे लॉक करके भी आपको बता देता हूँ ये किस तरह से लॉक होगा। और ये ऐसे लॉक हो जाता है, आप इसे बस डाल करके एक रोटेशन करके ऐसे लॉक कर सकते हैं, और लॉक भी काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग है। और मैं इसे अब हेलमेट में लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये माउंट। ये रहा हमारा एक्सोर का हेलमेट, जिसमें हम ये माउंट अटैच करने वाले हैं। किस तरह से अटैच होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सबसे पहले आप अपने वाइज़र को ऊपर कर लीजिए, और इस स्ट्रैप को आप यहाँ बीच में प्लेस कर लीजिए, जहाँ भी आपको प्लेस करना है। इसे अच्छे से प्लेस करके इस तरह से इसको फिक्स करना है, पर अच्छे से एडजस्ट हो पाए मैं बता देता हूँ किस तरह से अच्छे से एडजस्ट होगा, खासकर एक्सोर वाले के लिए। आराम से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप इसे रिमूव कर दीजिए। और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप जो है चिन माउंट को भी रिमूव कर लें, क्योंकि चिन माउंट थोड़ा सा इसमें ट्रबल करता है। चिन माउंट को आप इजीली खींच के रिमूव कर सकते हैं। अब ये स्पेस आप देख रहे हैं ओपन स्पेस हो गया है, तो अब स्ट्रैप इजीली आप लगा सकते हैं। स्ट्रैप को इस तरह से यहाँ फिक्स करें। इस तरह का स्ट्रैप लगेगा, इसको लगाने के बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अनुसार, इसे एडजस्ट कर लीजिए। और मैं इसे पहले अब टाइट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको पुल करके टाइट, मैंने पूरा स्ट्रैप को टाइटली खींच करके इसे लॉक कर दिया है। और सेम ऐसा ही मैं इस वाले स्ट्रैप के साथ भी करूँगा, क्योंकि मेरा
जो चिन माउंट है वो अच्छे से बैठ चुका है, पूरा टाइटली खींच के मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ। अब लॉक करने के बाद ये कम्प्लीटली फिट हो चुका है और ये ज़रा सा भी मूव नहीं करता, काफ़ी स्ट्रांग है, इसका जो ग्रिप है काफ़ी स्ट्रांग है और अच्छे से पकड़ पकड़ पूरी तरह से पकड़ बनाया हुआ है ये। अब मैं अपने इसमें जे माउंट लगा कर दिखाता हूँ, और जे माउंट लगा करके दिखाता हूँ, और जो मैंने ये निकाला था ये मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, इसे आराम से ऐसे क्लिक करके फिक्स कर लेना। और ये फिक्स हो चुका है, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं है इसमें, ये एकदम अच्छी तरीके से बैठ चुका है। आप आराम से यहाँ पर अपना गोप्रो प्लेस कर सकते हैं, और आराम से अपना गोप्रो प्लेस करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये होगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा भी कि मेरा जो गोप्रो है उसे मैं इसमें प्लेस करके दिखाता हूँ। एक्चुअली अभी इस माउंट में लगा हुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो जे माउंट है इसमें मैं अपना गोप्रो अटैच कर लेता हूँ। ये आराम से इसमें ऐसे करके, पता नहीं आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा कि नहीं, पर ये कोई डिफ़िकल्टी का काम नहीं है। हेलमेट थोड़ा वेटी है इसलिए मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है। पर ये अटैच हो चुका है, अब आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली अटैच हो चुका है। ये काफ़ी स्ट्रांग तरीके से अटैच हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई शेकनेस भी नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं इसे पकड़ के आराम से हेलमेट मूव कर पा रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते होंगे कितना स्ट्रांगली ये चिन माउंट अटैच हुआ है। पूरा का पूरा हेलमेट मूव हो रहा है इस गोप्रो को पकड़ने के बाद। तो ये स्ट्रैप अच्छा है एक्शन प्रो का, और इसकी क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि इंडियन मेड प्रोडक्ट है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, और आगे भी मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स लाता रहूँगा। थैंक यू।